नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 27 है। पीछे 26 वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट भी बन गया, आप चैनल पर जाकर विजिट करके क्रमवार चीजें देख लीजिए। तो आइए 27वें वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो पहला क्वेश्चन है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना जी, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है। पीछे क्वेश्चन भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक फीडबैक होता है, उसमें फीडबैक सर्किट होता है और ऑटोमेटिक वोल्टेज को एक कंट्रोल करता है, जो वोल्टेज होता है ना आउटपुट वोल्टेज का, उसको कंट्रोल करता था। तो वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो किस चीज से परीक्षण करेंगे। पहला दिया है एमीटर से, तो एमीटर से तो हम लोग धारा मेजर करते हैं, फिर वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज मेजर करते हैं, और ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ शॉर्ट सर्किट की परीक्षण करना है तो जो मल्टीमीटर होता है ना, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज और धारा के साथ साथ कंटिन्यूटी भी चेक करता है, और कंटिन्यूटी से ही शॉर्ट सर्किट की परीक्षण की जाती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि मल्टीमीटर कंटिन्यूटी चेक करता है, कंटिन्यूटी के तहत शॉर्ट सर्किट का परीक्षण कर लिया जाता है, और मल्टीमीटर इन तीनों का भी काम कर देता है, मतलब एमीटर, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस भी मेजर करता है और शॉर्ट सर्किट का परीक्षण भी करता है मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है, मतलब एक इन्वर्टर में क्या क्या होता है पूछा है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है। तो देखिए, जितना ज्यादा रहे हम लोग मार देंगे, एम्पलीफायर स्टेज तो होता है, ऑसिलेटर भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है, लेकिन यहाँ तीनों जब दे दिया तो तीनों मानेंगे, ऑसिलेटर भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है और ट्रांसफार्मर आउटपुट भी होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, एक साधारण इन्वर्टर में यह तीनों होता है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला आंसर क्या है कि तरंग, देखिए ना वहां दिया है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। वर्ग तरंग मतलब रेक्टेंगुलर वेव, देखिए ना रेक्टेंगुलर वेव क्या बताना चाहता है कि कांस्टेंट धारा आती है, एक होता है साइनसोइडल। साइनसोइडल कैसे होता है कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मतलब क्या हुआ, देखिए बढ़ते 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 मैक्सिमम पर गया, फिर घटते घटते जीरो आया, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर घट रहा है जीरो, फिर मैक्सिमम। तो साइनसोइडल बढ़ता है घटता है मान इसका, जबकि रेक्टेंगुलर कांस्टेंट मान होता है, और कांस्टेंट मान होने से जो बल्ब जलेगी नियत जलेगी। तो इसी तरह से जर्नल जो लाइटनिंग होती है उसमें कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है, कांस्टेंट सप्लाई दी जाती है, तो जर्नल लाइटनिंग यानी रेक्टेंगुलर वे में जर्नल लाइटनिंग। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, दिया है ना कि तरंग, तरंग कौन सा, वर्ग रेक्टेंगुलर वे जो इन्वर्टर है उसमें कौन सा, तो स्क्वायर, स्क्वायर चाहे रेक्टेंगुलर, जो स्क्वायर होगा चाहे रेक्टेंगुलर, बस रेक्टेंगुलर में थोड़ा आयताकार होता है, स्क्वायर में बराबर बराबर भाग होता है। तो वही पूछा है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जर्नल लाइटिंग में किया जाता है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो यूपीएस होता है उसमें भी एक बैटरी यूनिट होती है भाई, माने बैटरी होता है यूपीएस में, और यूपीएस का बैकअप कैसे बढ़ाएंगे, तो बैटरी की क्षमता बढ़ाइए, और बैटरी की क्षमता कैसे बढ़ती है, जो एएच होता है ना बैटरी का उसको बढ़ा दीजिए। तो जो एएच होता है, एएच, एएच यहाँ दिया है, और डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर दीजिए, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या दिया है, इंक्रीज द एएच कैपेसिटी या बैटरी, बैटरी की एएच क्षमता को बढ़ाना, तो सही बात है, बैटरी की एएच क्षमता को बढ़ाकर हम लोग यूपीएस की बैकअप बढ़ा सकते हैं भाई, बैटरी की क्षमता बढ़ाएंगे तो यूपीएस अपना बैकअप बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन कि द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो जो एक तो प्राथमिक सेल होता है जिसको यूज कर फेंक दिया जाता है, मतलब दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, और एक होता है द्वितीयक सेल जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो वही द्वितीयक सेल में ना बहुत प्रकार से दोष होते हैं, जैसे पोलराइजेशन होता है, लोकल एक्शन होता है, उसी तरह से यह एक भी दोष दे दिया है, कठोर सल्फेशन, हार्ड सल्फेशन यानी कठोर सल्फेशन। तो क्या होता है कठोर सल्फेशन कि जो प्लेटें होती है ना उस पर एक परत लेयर जड़ जाती है कठोर टाइप का, वो कब जमता है यह लेयर परत, तो जब बैटरी ज्यादा समय तक आप यूज नहीं किए रहेंगे तब यह दोष आ जाता है। इसलिए बैटरी को ना चार्जिंग भी हफ्ता में एक बार करते रहिए और यूज भी करते रहिए, ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो कठोर सल्फेशन दोष आ जाएगी। अब इसको दूर करने के लिए लंबे समयों तक चार्जिंग की जाती है और इसको ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। जब एक नियत धारा के साथ, एक लो वोल्टेज की धारा के साथ अगर लंबे समय तक आप चार्जिंग करेंगे तो इसी को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो ट्रिकल चार्जिंग की सहायता से आप लोकल उसको कठोर सल्फेशन को दूर कर सकते हैं, जो सल्फेट दोष होगा उसको दूर कर सकते हैं। कैसे, तो ट्रिकल चार्जिंग की सहायता से लंबे समय तक धारा देकर कठोर सल्फेशन को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट
वोल्टेज की आपूर्ति करता है। मतलब देखिए ना, आप कंप्यूटर सिस्टम पर हैं और इनपुट वोल्टेज आपको मिले, मतलब लाइट है और अपना आप काम कर रहे हैं, लेकिन लाइट कट जाती है, लाइट चली जाती है, तो आपको यूपीएस है ना बैकअप के रूप में देगा। तो वही पूछ रहा है कि इनपुट वोल्टेज की विफलता के बाद, माने इनपुट वोल्टेज कट जाने के बाद मान में निरंतर आउटपुट वोल्टेज कौन देगा, तो यूपीएस देगा। और यूपीएस में क्या होता है, बैटरी यूनिट होता है। तो ए ऑप्शन, यूपीएस तो दिया नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या मानेंगे, बैटरी यूनिट। लाइट कट जाएगी तो जो बैटरी यूनिट होगी वही आपको निरंतर सप्लाई देती रहेगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल को लोड करने के दौरान, सेल पर लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है यदि धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। ओहो, यह पूछ रहा है ना कि जो सेल है अगर आप उसको लोड से सप्लाई देंगे, मतलब किसी लोड को आप सेल से बैटरी से सप्लाई देंगे, तो कब होता है, क्या कारण होता है कि धारा अचानक एकदम शून्य हो जाती है, गिर जाती है धारा का मान, मतलब धारा का मान शून्य हो जाता है। तो यह बैटरी में दोष आता है, द्वितीयक सेल जो बैटरी होती है उसमें एक दोष आता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है ना कि जो कापर का जो हमारे पास जो कैथोड होता है, तो जो कैथोड एनोड दो होता है, तो जो कापर की प्लेट होती है उस पर ना मतलब ध्रुव बनने लगता है, पोलराइजेशन दिया है ना, ध्रुवीकरण। ऐसे ध्रुव कैसे बनता है, तो जो हाइड्रोजन आयन होती है ना उसके पास जाकर और आयन को त्याग करके एक बुलबुला के रूप में चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिससे कुचालक हो जाता है और बैटरी नहीं दे पाते। हाइड्रोजन का जो बुलबुला होता है विलयन के सापेक्ष कुचालक होता है, और हाइड्रोजन का बुलबुला कापर प्लेट को चारों ओर से ढक लेता है। तो जब कापर प्लेट को चारों ओर से ढक लेगा, आयन का स्थानांतरण हो ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, तो धारा कैसे बाहर जाएगी। तो कापर प्लेट पर हाइड्रोजन का बुलबुला बन जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है। इसको दूर करने के लिए अब इसको भी दूर किया जाता है, लेकिन दूर करने के लिए नहीं पूछा है, पूछ रहा है ना कि लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है धारा, तो ये पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण इसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, बकलिंग क्या होता है, तो जो प्लेट टेढ़ी हो जाती है ना उसी को बकलिंग कहते हैं। लोकल एक्शन क्या होता है, तो लोकल एक्शन ये होता है ना कि जो जिंक का प्लेट होता है, ये तो कापर के प्लेट पर होता है पोलराइजेशन, जो जिंक का प्लेट होता है उस वह शुद्ध रूप से जिंक नहीं होता है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ लेड की अशुद्धियां होती है, तो वह छोटे छोटे सेल के रूप में बिहेवियर करने लगता है, तो धारा जाएगी लेकिन अच्छा धारा नहीं जा पाती है, उतना धारा नहीं जा पाती है, तो उसको लोकल एक्शन कहते हैं। जो जिंक का प्लेट होता है वहीं पर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, इसको लोकल एक्शन, इसको दूर करने के लिए मरकरी का हम लोग लेप भी कर देते थे, तो इसको लोकल एक्शन नहीं, लोकल एक्शन में धारा कुछ जाती है, धारा शून्य हो जाए किसमें, तो पोलराइजेशन में धारा शून्य हो जाती है। अमलगमेशन पोलराइज को, दोष को दूर करने के लिए डीपोलराइज की जाती है, तो डीपोलराइज करना ही अमलगमेशन कहलाता है। तो यहाँ पर पोलराइज होगा जिसमें धारा शून्य हो जाती है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन है ना कि यूपीएस में कम बैकअप, देखिए क्या दिया है कि यूपीएस में कम बैकअप होने के क्या कारण है। तो फिर यूपीएस में कम बैकअप हो ही, देखिए मतलब एएच जो होगा ना बैटरी का वो कम होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, तो देख लेंगे। एम्पियर आवर एएच कैपेसिटी या बैटरी इज नॉट सफिशिएंट, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो बैटरी का एएच क्षमता होगा ना सफिशिएंट नहीं होगा, तभी तो बैकअप कम हो गया है। बैकअप कम हो जाने के कारण जो बैटरी यूनिट का एएच क्षमता होगी, बैटरी की जो क्षमता होगी वो कम होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, लो यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से भी अधिक है, तो इस दोष का क्या कारण है। बैटरी के शॉर्ट सर्किटेड डिफेक्टेड फीडबैक सर्किट, तो फीडबैक जो सर्किट होगा ना वो डिफेक्टेड हो जाएगा, मतलब दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। देखिए फीडबैक सर्किट हम बताए थे ना, फीडबैक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो आउटपुट वोल्टेज को निर्धारण करता है। अब फीडबैक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को निर्धारण करता है, और यही दोषपूर्ण हो गया है, फीडबैक सर्किट ही गलत हो गया, दोषपूर्ण हो गया है, तो क्या करेगा, सामान्य से अधिक आपको वोल्टेज दे देगा। तो फीडबैक सर्किट अगर दोष है तो सामान्य वोल्टेज से अधिक, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपीएस में पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। अब पूरा लोड बार बार ट्रिप कर जा रहा है, देखिए मतलब जाहिर सी बात है कि ओवरलोडिंग का जो इशू होगा, जैसे दे इनकरेंट ओवरलोडिंग सेटिंग, तो यही ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आगे पढ़ लीजिए, सप्लाई फेलियर से ओवर ट्रिप थोड़े करेगा, फिर बैटरी चार्ज इनपुट फास्ट डाउन आउट और लूज कनेक्शन से नहीं, यही एक ऑप्शन है कि इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, जो ओवरलोड सेटिंग होगा वह गलत सेटिंग होगा, इसलिए बार बार ट्रिप कर जा रही है, तो ओवरलोड सेटिंग को सुधारिए, बार बार ट्रिप नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो अगला क्वेश्चन दिया है ना देख लीजिए कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम एक बात और बता देते हैं, यहां से एक अगला यूनिट जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकाई है ना वह स्टार्ट हो गया है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकाई का पहला क्वेश्चन है
कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कोयला है, हमको पता है। डीजल और गैस और पेट्रोल कहाँ है उतना, तो क्या है, कोयला। कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है कि पारंपरिक, देखिए क्या दिया है, कन्वेंशनल पावर जनरेशन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो हम बात आपको बताते हैं, एक आएगा कन्वेंशनल और एक आएगा नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल ऐसा ऊर्जा स्रोत होना चाहिए जिसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता हो, और नॉन कन्वेंशनल ऐसा एनर्जी सोर्स होना चाहिए जिसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं हो, मतलब जो कभी समाप्त ना हो उसको नॉन कन्वेंशनल, जो समाप्त हो जाए उसको कन्वेंशनल। जैसे पेट्रोलियम समाप्त हो सकती है, कोयला समाप्त हो जाएगी, तो ये सब कन्वेंशनल होगा, इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। और नॉन कन्वेंशनल में प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे हवा, ज्वार भाटा, तो हवा से ज्वार भाटा से जो होता है विंड पावर प्लांट और ज्वार भाटा जो पावर प्लांट होते हैं उसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं, वो खुद अपने से रोटेट कराने लगते हैं, तो वो कभी समाप्त भी नहीं होते हैं। तो यहाँ कन्वेंशनल पूछा है, मतलब जो समाप्त हो जाए जिसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता लगे, विंड में ये नहीं है, टेडियल है जो ज्वार भाटा वाला, तो ये भी नहीं है, सोलर पावर प्लांट ये भी नहीं है, कहाँ समाप्त होता है सोलर। हाँ, थर्मल पावर प्लांट कोयला से बनता है और थर्मल पावर प्लांट समाप्त हो जाती है, तो वही कन्वेंशनल पावर प्लांट पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्मल पावर प्लांट समाप्त हो जाएगा, कन्वेंशनल है, इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है ना कि सेल में किस सामग्री, देखिए ना, सौर सेल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो जो सौर सेल होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम यही दो उपधातु, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो टेम्परेचर ज्यादा सहन कर सकता है, जल्दी खराब नहीं होता है, कॉमेट 65 सेल्सियस पर ये माइनस में 65 सेल्सियस पर ये स्टार्ट हो जाता है और 175 अंशी तक ये काम करता है, मतलब एकदम अच्छा, जर्मेनियम से बहुत अच्छा सिलिकॉन होता है, इसमें लीकेज करंट भी कम होता है सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन का प्रयोग इसीलिए ज्यादा किया जाता है। तो सोलर सेल में किस सामग्री का प्रयोग करेंगे आप, तो सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्या है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थोरियम का। अब देखिए ना, कैडियम, एंटीमनी और सिलिकॉन ये सब विखंडन नहीं करता, ये सब मतलब ऊर्जा अगर बनाना है तो इनके नाभिकीय विखंडन से ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है, जबकि जो थोरियम होता है इसी के तहत परमाणु विखंडन करके हम लोग परमाणु, मतलब जो होता है ना एटॉमिक वाला, तो वही देखिए ना क्या दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस एटॉमिक का प्रयोग करते हैं, तो थोरियम का करते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि फोटोवोल्टाइक से, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है, तो फोटोवोल्टाइक सेल, देखिए ना जब आ जाएगा ना, जर्मेनियम से भी उत्तम सिलिकॉन होता है, हम पहले ही बता दिए, सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा सहन कर सकता है, कम टेम्परेचर पर स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा होता है सिलिकॉन सबसे, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, तो फोटोवोल्टाइक में भी हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आगे दिया, देखिए आ गया गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, हम बताए थे ना एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल पूछा है, तो नॉन कन्वेंशनल जो कभी समाप्त नहीं होता है, जिसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं लगता है, जैसे हवा हुआ जो हो गया, अब विकल्प से भी आप पहचान लेंगे, पानी समाप्त हो जाती है, भाप समाप्त हो जाता है, डीजल समाप्त हो जाता है, हवा समाप्त कभी नहीं होता है, तो यही हो गया नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा क्या दिया है, कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है, ये तो बचपन का क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। और देखिए यहाँ से ना जो ये रिजर्वायर बनाया गया है, जल इकट्ठा किया गया और यहाँ से जल ऐसे जा रहा है, और फिर यहाँ से जल यहाँ पर हम लोग के पास टर्बाइन पर जा रहा है, तो ये जो लगा है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर्ज टैंक, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सर्ज टैंक कहते हैं इसको। सर्ज टैंक क्या होता है कि जब पानी इसमें जाएगी ना, तो कभी काल पहले तो पेन स्ट्रोक, इस पाइप को कहते हैं पेन स्ट्रोक, और पेन स्ट्रोक पाइप में प्रेशर को मेंटेन करता है सर्ज टैंक, कभी कल पानी ज्यादा हो जाता है तो इसी सर्ज टैंक में पानी ऊपर चला जाता है, और इसमें पानी कम होता है तो फिर पानी सर्ज टैंक में से इस पेन स्ट्रोक पाइप में आ जाता है, तो इसके प्रेशर को, पेन स्ट्रोक जो पाइप होता है इसके प्रेशर को मेंटेन करता है सर्ज टैंक, इसको कहते हैं सर्ज टैंक। सर्ज टैंक एक टैंक होता है, वो बस पानी को कंट्रोल करता है। अगला एक फिर आ गया गैर पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वही जो कभी समाप्त ना हो, जिसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता ना लगे, तो समाप्त ये कोयला है, लिग्नाइट है, कोयला का प्रारूप है, तो समाप्त हो सकता है, सनरे कभी समाप्त नहीं होगी,
इसलिए नॉन कन्वेंशनल ये होगा। अब ये क्या है कि स्टोरेज वाटर समाप्त हो जाएगी, और ये क्या है चूणित कोयला, जो पोलराइज्ड कोल है चूणित कोयला, तो ये भी समाप्त हो जाएगा, तो सनडे का समाप्त नहीं होगी, इसलिए नॉन कन्वेंशनल। अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया नॉन कन्वेंशनल बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। और नुकसान इसका बस एक ही है कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा नहीं होती है, तो लो इफिशियंसी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो नॉन कन्वेंशनल होता है ना, इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।